सच्ची लगन, दृढ़ विश्वास, कड़ी मेहनत और कुशल नेतृत्व। जी हाँ, जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो एक उदाहरण पेश करती हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ आज आपसे एक ऐसे ही उदाहरण का जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। जी, उत्तराखंड राज्य के एक ऐसे गांव में जो कि नैनी डांडा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आप कुछ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जाते जाते हम पहुंच गए हैं कुंडू डैम में और यहाँ पे खाली का काम चल रहा है। अब यहाँ पे हमारे साथ बहुत आदमी जुड़े हुए हैं, अब हम उनसे काम के बारे में कुछ पता करेंगे। हमारे पानी के लिए भी बहुत जल संरक्षण है योगदान रहेगा, क्योंकि हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे तो दोस्तों इस गांव से आप पहले भी परिचित हैं और इस प्रधान जी से भी आप परिचित होंगे। इनके कुशल नेतृत्व में, ग्राम प्रधान प्रदीप रावत जी के कुशल नेतृत्व में सभी गांव वालों की सच्ची लगन, दृढ़ विश्वास और पूरे गांव के लोग कड़ी मेहनत से इस काम में जुट गए। तो आप देख सकते हैं कि ये खुदाई का काम चल रहा है और ये खुदाई का काम कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है और इस खुदाई करने से क्या लाभ होने वाला है, तो आप वीडियो के साथ आप पूरा बने रहें। तो दोस्तों आपको बता दें सबसे पहले कि ये है उत्तराखंड राज्य के नैनी डांडा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांव जिसका नाम है औलेत। जी हाँ, इस गांव का नाम आपने बहुत बार पहले भी सुना होगा, हमारे चैनल पर भी सुना होगा और सुनेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इस गांव के प्रधान जो हैं प्रदीप रावत जी हैं। जी हाँ, प्रदीप रावत जी ने इस गांव के नाम को रोशन कर दिया, पूरे ब्लॉक में इस गांव की चर्चा होती है और ऐसे ही गांव की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि ग्राम प्रधान प्रदीप रावत जी के कारनामों से, करिश्माओं से ये गांव जो है क्या से क्या बन चुका है। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड संस्कृति से जुड़ी चीज़ें ही मिलेंगी और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस कार्य की पृष्ठभूमि, इस कार्य की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से प्रदीप रावत जी जो कि महज 28 साल के हैं, युवा प्रधान हैं, उनके मन में कहाँ से ये योजना आई और इस योजना का क्या लाभ होने वाला है गांव को। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि ये गांव नहीं है, बल्कि ये गांव से दूर 5-7 किलोमीटर दूरी पर है और ये एक पहाड़ी पर बनी जगह है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको पहले भी बताया था ये पर्यटक स्थल बन सकता है। दोस्तों इस जगह का नाम है कुंडू। जी, और यहाँ पे तालाब का काम चल रहा है, तालाब के लिए खुदाई हो रही है और इस खुदाई के बाद आप देख सके थे खुदाई के दौरान ही इसमें पानी भर चुका है और आने वाले भविष्य में भी इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो प्रधान जी, इस गांव के प्रधान जी प्रदीप रावत जी, उनके दिमाग में ये आया किस तरह से इस काम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और लोगों से सलाह लिया, मशवरा किया, बड़े लोगों से, अधिकारियों से बात की। दोस्तों गांव में, उत्तराखंड के काफ़ी इलाकों में पानी का स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कई गांव में सूखा पड़ चुका है और लोग पानी को तरस रहे हैं। तो दोस्तों ये एक तालाब का निर्माण है, आज से काफ़ी वर्ष पहले की बात है, यहाँ एक तालाब हुआ करता था और उसमें पानी भरा होता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की अनदेखी, छेड़ा खाने के कारण वो तालाब का काम, वो तालाब जो धीरे धीरे सूख गया, उस विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधान जी को ये सुंदर काम करने की सूझी। तो इस तालाब का क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, पानी का स्रोत दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है
बरसात का पानी इस तालाब में बहुतायत में रुकेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि गांव वालों की सच्ची लगन ने, क्योंकि दोस्तों एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता हमारे प्रधान जी जो युवा हैं प्रदीप रावत जी, उनकी सोच ने एक प्रस्ताव रखा गांव के बीच में, तो गांव वालों ने समर्थन दिया और गांव के सभी लोग, बड़े बूढ़े बुजुर्ग महिला पुरुष सारे लोग इनके साथ इकट्ठे हो गए और इस काम को अंजाम देने के लिए तुरंत तैयार हो गए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बारिश भी हो रही है लेकिन महिलाएं बिल्कुल काम से हट नहीं रहे हैं, टिके हुए हैं और उन देखो मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से खुशी का ठिकाना नहीं रह रहा है कि काम करते करते यहाँ पर पानी का भरना भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हैं इस तालाब को काफ़ी बड़ा बनाया जाएगा, अभी काम इस पर चल ही रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत में आपको बताएंगे कि अभी कितना काम हो चुका है। दोस्तों रोज़ यहाँ आना लोगों का, चार पाँच पाँच सात किलोमीटर दूर गाँव से यहाँ आना, उसके बाद काम करना और सच्ची लगन के साथ इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना। तो सैल्यूट है हमारे प्रधान जी प्रदीप रावत जी को, सैल्यूट है हमारी महिला शक्ति को और सैल्यूट हमारे उन पुरुष भाइयों को, उन बच्चों को, उन युवाओं को जो इस काम को अंजाम देने में जी जान लगा रहे हैं। दोस्तों ये गांव से दूर जंगल है और आप देख रहे हैं कि इसका सीधा सा फायदा गांव के जो पानी का स्रोत है वो तो बढ़ेगा ही, साथ में जंगली जानवरों को भी पानी पीने की व्यवस्था यहां पे बनेगी। दोस्तों आने वाले समय में इस क्षेत्र को प्रधान जी पर्यटक स्थल बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह से तालाब बनेंगे और एक के बाद दो तीन चार और अन्य तालाबों का भी निर्माण होगा। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड को इससे रोजगार भी मिलेगा, पानी का स्रोत बढ़ेगा और युवाओं को काम करने का रोजगार का भी, रोजगार के भी अवसर जरूर मिलेंगे। दोस्तों जब काम करके उसका रिजल्ट मिलता है तो कितनी खुशी होती है कि गांव ग्रामीण लोगों के चेहरे से आप साफ झलक सकता है, कितने खुश प्रतीत हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। दोस्तों और आप देख भी रहे होंगे कि महज इसको भी एक दो महीने ही हुए हैं इतना काम कर दिया, क्योंकि जंगल को तोड़ करके ये बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन लोगों की सच्ची लगन, दृढ़ विश्वास और प्रधान जी के कुशल नेतृत्व ने ये काम करिश्मा कर दिखाया। तो दोस्तों इस काम, अभी इस तालाब का काम चल रहा है, निर्माण कार्य भी चल ही रहा है, आपको अपडेट देते रहेंगे समय समय पर कितना और होने वाला है। और इस चैनल पर आप बने रहें, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि और क्या क्या काम इसमें होने वाले हैं। तो दोस्तों हाल ही में आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो इस औलेद गांव में जो प्रधान की सीट है वो महिला सीट आ गई है, लेकिन हमारे प्रधान जी जो कि पुरुष हैं, और ये गाँव का दुर्भाग्य समझें या क्या कहें कि प्रधान जी को सेवा का अवसर दोबारा नहीं मिल पा रहा है, जिससे पूरा गाँव चिंता तुर है, क्योंकि पूरा गांव चाहता था कि युवा प्रधान प्रदीप रावत ही हमारे अगले 5 साल के लिए चुने जाएं, लेकिन महिला सीट होने के कारण उनको ये सेवा का अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कुछ हो सकता है, इस तालाब के निर्माण को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, कितना सुंदर बनाया जा सकता है, तो आप ज़रूर हमें मैसेज करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस सुंदर प्रयास को, गांव वालों के प्रयास को, प्रधान जी के नेतृत्व को इतना शेयर करें कि बाकी के प्रधान भी इनसे ज़रूर कुछ सीख ले, क्योंकि इन्होंने अपने गांव का तो नक्शा ही बदल दिया, अब ये गांव के आसपास के भी विकास में, क्योंकि ये जो गांव से दूर हैं लेकिन इसका सीधा फायदा गांव वालों को ही नहीं होगा बल्कि उसके आसपास के गांव वालों को भी होगा, क्योंकि इसमें पानी इकट्ठा होगा और वो कहीं ना कहीं पानी का स्रोत उसे बढ़ाने का काम करेगा। तो दोस्तों ये गांव वालों की सच्ची लगन ही है, दृढ़ विश्वास है, कड़ी मेहनत है और प्रदीप रावत जो कि महज 28 साल के युवा प्रधान हैं, उनकी सोच को सलाम करता हूँ, उनकी सोच को
क्या कहें, शब्द कम पड़ते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।